dear students, welcome to all of you in your maths class. As you all know that we are doing revision of our chapter number 3 and the name of our chapter is number system. And what we done in our previous session? In our previous session, we had studied about Indian place value chart and Indian number system. हमने अपने previous session में Indian place value chart के according number, name and figure में numbers को लिखना सीखा था. हमने इंडियन नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. ये हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है. इसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं? इसमें 3 मेन कॉलम्स होते हैं, वंस, थाउजेंड एंड मिलियन. ठीक है, वंस कितने कॉलम में डिवाइड होता है? 3. वंस, टेंस एंड हंड्रेड. देन उसके बाद क्या आता है? थाउजेंड का कॉलम, वो भी 3 कॉलम में डिवाइड होता है, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड. देन मिलियन का कॉलम, वो भी 3 कॉलम्स में डिवाइड होता है, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन. उसी के अकॉर्डिंग हम जीरो को इंक्रीज करते हैं. और कैसे शो करते हैं? ये इसमें गिवन है. हम वंस को ओ से शो करते हैं, हंड्रेड को एच से, मिलियन को एम से, थाउजेंड को कैपिटल टी एच. तो आप इस चार्ट को, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को, एज अ क्लास वर्क अपने होमवर्क कॉपी में बहुत ही केयरफुली ड्रॉ करेंगे. आप जब चार्ट को ड्रॉ करते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि इस चार्ट ने कितनी स्पेस कवर की है. आप अपने कॉपी को बेंड कर लिया करिए हॉरिजॉन्टल और उसके बाद चार्ट को प्रॉपरली स्केल के हेल्प से आप ड्रॉ करेंगे और इसे पढ़िएगा. तो हमारे चार्ट के मेन पॉइंट्स क्या है? हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. इसमें 3 मेन कॉलम्स हैं, वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस. ठीक है, तो वंस में 3 कॉलम है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड में थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियंस में मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन. वी सेपरेट द पीरियड्स यूजिंग कॉमास. हम कॉमा की हेल्प से पीरियड को अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं. तो हम कॉमा कहाँ लगाते हैं? ये एक नंबर गिवन है. ठीक है, अब हम इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अगर कॉमा में पुट करें तो हम कैसे पुट करेंगे? देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, उसके बाद दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है, देन थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, फिर कॉमा. हमें इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में छोटा ही डिफरेंस है और हमें बहुत ही केयरफुली उसको सॉल्व करना है. देन 8, 4, ये हमारा मिलियन का पार्ट है. तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? हम इसे क्या पढ़ेंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन. तो हम इसे रीड करेंगे या हम इसका नंबर नेम लिखेंगे, 48,376,259. ओके, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही केयरफुली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. रीराइट द न्यूमरल्स विद प्रॉपर कॉमास यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. ये न्यूमरल्स जो गिवन है इन्हें हमें फिर से लिखना है, इसलिए रीराइट कहा गया है. अब कैसे लिखना है? अब हमें कॉमा का यूज करना है. किसके अकॉर्डिंग? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग. तो चलिए अब हम करते हैं. फर्स्ट नंबर क्या है इसे चेक करिए पहले. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन. ओके, तो हमें पता चल गया हमें कॉमा को कहाँ पुट करना है. तो हम लिखेंगे इक्वल टू, देन मिलियन, कितना डिजिट है मिलियन में? 1, उसके बाद कॉमा, देन 5, 0, 0, कॉमा 5, 1, 0. हम कैसे कॉमा को पुट कर रहे हैं? वंस, थाउजेंड एंड मिलियन, 3 पीरियड है हमारे और हम हर पीरियड को सेपरेट करने के लिए कॉमा को पुट करेंगे. तो हम इसे क्या रीड करेंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, 1 मिलियन, 500,000, 510. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी. 9870,8790. अब हमें इसे भी सेपरेट करना है कॉमा के हेल्प से. तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? चलिए पहले हम नंबर को लिख लेते हैं.
ये हमारे लिए इजी होगा। फिर हम कॉमा से इसे सेपरेट कर देंगे। आप बहुत ही केयरफुली नंबर को लिखोगे, सेम नंबर, देन वंस, टेंस, हंड्रेड, कॉमा, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, कॉमा, मिलियन, टेन मिलियन। हंड्रेड मिलियन में अभी कोई डिजिट नहीं है, बस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसी तरीके से आप न्यूमरल्स को रीराइट करोगे कॉमा के हेल्प से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज राइट द नंबर नेम ऑफ द गिवन न्यूमरल्स यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ये न्यूमरल्स जो हमें गिवन है, हमें इनका नंबर नेम लिखना है यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हम बहुत ही केयरफुली पहले काउंट करेंगे ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन। हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट अल्फाबेट हमारा कैपिटल होगा, फोर्टी थ्री मिलियन। आप मिलियंस नहीं लिखोगे, हम प्लूरल नहीं लिखेंगे, ठीक है? ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, हम हमेशा सिर्फ सिंगुलर में लिखेंगे, 43 मिलियन। ओके, देन यहां तो जीरो है, जीरो तो हम नंबर नेम में नहीं लिखेंगे। अब हम क्या लिखें? 21,000 और लास्ट में क्या लिखें? 6, बिकॉज फिर जीरो अगेन है। और हम क्या दो पॉइंट का हमें ध्यान रखना है नंबर नेम में लिखते टाइम, कि हमें प्लूरल में नहीं लिखना है एंड हमें एंड का यूज नहीं करना है। सपोज आप ऐसे नहीं लिखोगे 43 मिलियन एंड 21,000 एंड 6, नहीं, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप लिखोगे 43 मिलियन 21,000 6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, हम इसे चेक करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन। तो हम क्या लिखेंगे? 70 मिलियन। स्पेलिंग हमें बहुत ही केयरफुली लिखनी है, 70 मिलियन। ओके, देन यहां जीरो है, अब हम क्या लिखें? 84 थाउजेंड, देन अगेन यहां जीरो है, अब हम क्या बचा, क्या लिख रहे हैं? 74। तो आप दिए हुए न्यूमरल्स को बहुत ही केयरफुली फेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग चेक करोगे, उसके बाद आप इसे नंबर नेम में राइट करोगे। आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, आप कंफ्यूज मत होइएगा और दिए हुए क्वेश्चन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग मत सॉल्व करिएगा। नाउ लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट इन न्यूमरल्स प्लेसिंग द कॉमास एट राइट प्लेस। ये हमें नंबर नेम गिवन है, वर्ड्स में गिवन है, हमें इन्हें न्यूमरल में लिखना है और राइट प्लेस पे कॉमा को पुट करना है। तो दिए हुए नंबर को हम बहुत ही केयरफुली रीड करें। क्वेश्चन नंबर ए, 92,604,044। तो चलिए पहले हम इन्हें न्यूमरल में लिखते हैं, उसके बाद हम कॉमा को पुट करेंगे। तो 92 मिलियन, तो हम क्या लिखें? सबसे पहले 92, ओके, मिलियन है, अभी हम कॉमा को नहीं पुट करेंगे, पहले हम इसे फिगर में लिख लेंगे। देन क्या है? 604,604 लिखना है हमें। तो हम कैसे लिखेंगे? 604 ऐसे हम लिखते हैं, 604 को हम 604 पढ़ते हैं, ठीक है, 604 लिख लिया हमने। अब क्या लिखें? 44 गिवन है, लेकिन इट मींस 100 का प्लेस पे कुछ नहीं है, 044 ये नंबर है, हमने इसे फिगर में लिख लिया। क्यों हमने यहाँ जीरो लगाया है? क्योंकि यहाँ 100 के प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, ब्लैंक है। तो अब हम कॉमा को पुट करेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन। अब हम इसको रीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेम नंबर, 92,604,044। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, 5,200,000
11,818 5 million. तो हम 5 लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद 211,000 it means 211, उसके बाद 818 it means 818. इसमें हमें सारे नंबर गिवन है, हमें जीरो लिखने की नीड नहीं पड़ी, ठीक है, हमने लिख लिया. अब हम कॉमा को पट करेंगे. वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन. अब हम इसे रीड करें, 5,211,818. ओके, तो हम लिखने के बाद एक बार रीचेक करेंगे कि हमने जो लिखा है कहीं उसमें मिस्टेक तो नहीं है. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. डू द गिवन क्वेश्चंस इन योर होमवर्क कॉपी वेरी केयरफुली एंड अ नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग. आपका क्लास वर्क क्या है, आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट अपने होमवर्क कॉपी में एज अ क्लास वर्क ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले आप कॉपी पे डेट मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे एंड हेडिंग लिखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. उसके बाद आप अपनी कॉपी को बेंड करोगे हॉरिजॉन्टल एंड देन चार्ट को स्केल के हेल्प से बहुत ही केयरफुली नीट एंड क्लीन ड्रॉ करेंगे. ओके, थैंक यू.